HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। अधिक अहमद की हत्या को लेकर अब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होते हुए यूपी में जंगल राज कायम करने और कानून को ठेंगा दिखाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेताओं ने कानून का खात्मा करने का आरोप लगाया है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या की वजह से उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में हड़कंप मच गया है। लगातार विपक्षी दल राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई हत्या करार दे रहे हैं। इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने ये बात कही थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुदाखलत नहीं की। हम ये जानते हैं कि जो अतीक अहमद है कोई फरिश्ता सीरत इंसान नहीं थे वो, मगर पुलिस की कस्टडी में जिस तरह से उनकी हलाकत हुई लगता है कि यूपी में जंगल राज है। और कहीं ना कहीं जो सतपाल मलिक ने कुछ रेवल्यूशंस किए हैं, कुछ इंकशाफात किए हैं पुलवामा को लेके, जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर पैसा जमा करके दिल्ली में पहुंचाते हैं, फिर अडानी के पास जाता है, करप्शन को लेके जितनी भी बातें, खासकर पुलवामा में जहाँ 40 जवानों की शहादत हुई, उसमें क्या लापरवाही बरती गई, किस तरह उसको छुपाने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए भी ये जो अतीक अहमद और उसके भाई को जो गोली मार के पुलिस की हिरासत में हलाक किया गया, ये उसी कड़ी का एक हिस्सा है, ध्यान हटाने के लिए किया गया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या अपराधियों का सफाया कहकर सरकार अपराधी को मार ही देगी। अपराधियों का सफाया मैंने मार दीजिए उसको, ये कोई तरीका है? इसका मतलब जो जेल में जाएगा तो उसको मार दीजिए, ऐसा कोई नियम है? आप बताइए तो। अरे तो कोर्ट ना फैसला करता है कि अगर किसी को ये भी सजा होती है कि उसको फांसी की सजा होगी, फांसी हो जाती है, लेकिन बाकी को कोई साल तक का होता है, कितने तक का होता है सजा? लेकिन वो कोई उसको निकलेगा, बीमार हो गया, कोई कहीं जाएगा तो उसको ऐसे होगा? ये तो कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए सब संविधान क्या बना हुआ है? तो हर चीज तो बना हुआ है ना भाई। तो इसके बाद अगर कोई बोलता है इसका मतलब अपनी बात, एक बात तो हम जानते हैं ना, अब तो लोगों पर जो कब्जा कर लिया है तो उसको क्या कीजिएगा। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।